वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर बर्थ बाय एजे क्रोनिन। इस स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एंड्रू मैनसन, जो कि एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कंप्लीट करी है और डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंतर्गत वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कर रहा है एज एन असिस्टेंट इन द टाउन ऑफ बिनोली। वो क्रिस्टीन नाम की लड़की से प्यार करता है बट उसके एक्सपीरियंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बताए गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मिडनाइट के वक्त में वो ब्रैगन गोवर पहुंचता है जहां पे जो मॉर्गन उसका वेट कर रहा है। जो है उसकी शादी 20 इयर्स पहले हो चुकी है और उसकी वाइफ जो है वो फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये जो बर्थ स्टोरी है ये जो मॉर्गन के बेटे के बच्चे के होने की स्टोरी है। जैसे ही यहाँ पे एंड्रू को देखता है जो मॉर्गन के फेस पे थोड़ी सी टेंशन कम होती है और वो बोलता है कि वो उसके लिए यहाँ पे 1 घंटे से रुका है। वो चाहता है कि वो चल के उसकी वाइफ को देखे क्योंकि उसकी वाइफ को उसकी ज़रूरत है एंड दिस इज़ द टाइम मे बी द शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो हो सकता है कि बच्चे का बर्थ अभी हो तो डॉक्टर को ले जाना नेसेसरी है। और 12 बिलियाना टेरेस जो कि जो मॉर्गन का हाउस है वहाँ के लिए वो लोग चल देते हैं। जैसे ही वो घर तक पहुँचते हैं तो जो मॉर्गन घर के बाहर रुक जाता है और एंड्रू को बोलता है कि आप अंदर चले जाइए। तो एक डॉक्टर जो है वो एक स्मॉल क्लीन और छोटे से फर्निश्ड रूम में पहुँचता है। वहाँ पर 2 औरतें होती हैं जो पेशेंट के साइड में होती हैं, एक सुजैन मॉर्गन जो कि जो मॉर्गन की वाइफ थी, उनकी मदर जो कि टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन बताई गई है नियरली 70 इयर्स ऑफ एज की, और एक एल्डरली मिडवाइफ, एक जो नर्स थी या जो एक लेडी थी जो दाया का काम करती थी वो वहाँ पे बताई गई है। तो ये 3 लोग वहाँ पे थे। सुजैन की मदर ने डॉक्टर को चाय ऑफर करी क्योंकि मिडनाइट का वक्त था, डॉक्टर को इतने अपसर्ड टाइम पे बुलाया गया। डॉक्टर एंड्रू को समझ में आ गया कि वो ये सोच रही थी कि शायद डॉक्टर यहाँ से चले जाएंगे, तो उसने यहाँ पे उनको अश्योर किया कि मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे। 1 घंटा बीत जाने के बाद एंड्रू ने पेशेंट को चेक किया और यहाँ पे उसको जो मॉर्गन के रेस्टलेस फुटस्टेप सुनाई देते हैं जो कि बाहर स्ट्रीट में है। एंड्रू अपने ख्यालों में खो जाता है। इतने में उसको सुजैन मॉर्गन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको सरप्राइज कर देती है। वो बोलती है कि बच्चे के लिए क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए उसकी बेटी को क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बच्चे को हार्म करे क्लोरोफॉर्म। डॉक्टर एंड्रू रिप्लाई करता है कि नहीं, क्लोरोफॉर्म से कोई हार्म नहीं होगा। इतने में मिडवाइफ की आवाज़ आती है, 3:30 बज जाते हैं रात के और एंड्रू को अब समझ में आता है कि उसको डिलीवरी का काम स्टार्ट कर देना चाहिए, बच्चा बर्थ लेने वाला है। 1 घंटा बीत जाने के बाद बच्चा पैदा होता है 4:30 बजे बट द चाइल्ड इज़ बॉर्न लाइफलेस। ऑल ऑफ अ सडन एंड्रू के बॉडी में एक शिवर ऑफ हॉरर पास कर जाता है, वो एकदम घबरा जाता है। ही इज़ वेरी नर्वस एंड टेंस क्योंकि ये उसका शायद पहला केस था लाइफ का जो ये डिसाइड करेगा कि उसका फ्यूचर एज अ डॉक्टर क्या होगा, एंड एक बच्चे को बर्थ देने के बाद वो बच्चा लाइफलेस निकला तो अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और उसकी अब अटेम्प्ट्स होते हैं कि माँ को बचाए कि बच्चे को बचाए, वो डिलेमा में होता है। अब वो देखता है कि माँ एक डेस्परेट स्टेट में है तो उसको अर्जेंटली एक डिसीजन लेना पड़ता है। वो बच्चा नर्स को पकड़ाता है, सुजैन मॉर्गन की तरफ देखता है कि वो कोलैप्स हो रही है, उसकी पल्स जो है वो जा रही है। इतने में वो ये इंजेक्शन निकालता है और एम्प्यूल तोड़ के उसकी बॉडी में वो इंजेक्ट करता है। धीरे धीरे उसकी पल्स ठीक होने लग जाती है। अब उसका ध्यान जाता है बच्चे की तरफ। बच्चे को मरा हुआ समझ के मिडवाइफ ने बच्चे को बिस्तर के नीचे छुपा दिया था। एंड्रू उस बच्चे के बारे में पूछता है, उस बच्चे को बाहर निकालता है और देखता है कि जो बच्चे का सिर है वो पीछे लूज है, उसके लिम्स जो है एकदम बोनलेस है। और उसको समझ में आता है कि शायद इस बच्चे को एस्फेक्सिया पैलिडा जो कि एक अबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन होती है न्यूली बॉर्न बेबीज़ के साथ, शायद ये वो हो गया है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाया, बाहर आते समय उसकी नली शायद चोक हो गई। उसने तुरंत कमान संभाली, उसने तुरंत मिडवाइफ को बोला कि हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और बेसिन्स लेके आओ, और फिर उसने बच्चे को ठंडे पानी और गर्म पानी में निकालना स्टार्ट किया, एकदम ठंडा पानी और एकदम उबलता हुआ पानी। ऐसा करते करते उसको 15-20 मिनट्स हो गए और वो बहुत ज़्यादा पसीने में, उसके हाथों में पूरे में पानी बहने लगा, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और इतने में वहाँ पे मिडवाइफ और जो ओल्ड मदर बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी उसको देख के। जब उसने उसके बच्चे के चेस्ट को रब करना स्टार्ट किया और एक टॉवल से उसका थंब उसके चेस्ट को दबाना स्टार्ट किया, यहाँ पे मिडवाइफ उसको बोलती है कि प्लीज़ स्टॉप, द चाइल्ड इज़ डेड, उसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अचानक से एक मिराकल हो जाता है और चाइल्ड जो होता है वो मूव करने लग जाता है। वो एंड्रू को एकदम से वीक और एकदम से नौजिया हो जाता है, वो गिरने वाला होता है। जब वो देखता है कि बच्चा जो है, जो कि उसके हाथ से 1 मिनट पहले स्लिप होने वाला था, अब वो बच्चा लाइफ में आ चुका है, उसने ब्रीदिंग स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वो रोने लग जाता है और अब बच्चा एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह रोता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बेबीज़ के बॉर्न होने के 15-20 मिनट्स तक उनकी ब्रीथ
रुकी रहती है बायोलॉजिकली भी, बट यहाँ पे ये बताया गया है कि एंड्रू मॉर्गन ने एक ऐसी सिचुएशन को संभाला विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट और विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। उसने एक नॉर्मल डिलीवरी करी, साथ साथ उसने मदर को भी बचा लिया और बच्चे को, जो कि 20 साल के बाद हुआ हो किसी कपल को, तो डेफिनेटली उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। एकदम से मिडवाइफ यहाँ पे चीख पड़ती है, बोलती ओ गॉड ही इज अलाइव, ये मिरेकल हो गया। और इतने एफर्ट्स और सक्सेस के बाद एंड्रू को बहुत ही वीकनेस फील होती है, वो एकदम स्पीचलेस हो जाता है, रात भर सोया नहीं होता, थक चुका होता है। एंड्रू नीचे जाता है, जो मॉर्गन उसका वेट कर रहा होता है वो बताता है कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो, और उसको बहुत बहुत खुशी होती है। वो बोलता है ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, एज अ डॉक्टर आई हैव डन समथिंग गुड, क्योंकि अब ये उसके डॉक्टर होने के, उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन था। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू।